बुलेटिन की शुरुआत करीशुं सौराष्ट्र एक्सप्रेस थी। वाइब्रेंट समिट ने माउठा निशांत अमरलाल पटेल की आगाही 8, 9 अने 10 जान्युआरी माउठू थवानी शक्यता। अमरलाल पटेल की आगाही मुजब दक्षिण गुजरात दक्षिण सौराष्ट्र में वरसाद की शक्यता। गीर अमरेली बोटाद में माउठू थवानी शक्यता। जान्युआरी अंत में फेब्रुआरी की शुरुआत में पलटा की शक्यता। उत्तरायण पूर्वे देश उत्तर पूर्वीय प्रदेशों में हिमवर्षा थता घना भागों में कातिल ठंडी की शक्यताओं रहे। उत्तर गुजरात भागों कच्छना भागों में ठंडी रहे। 18 जान्युआरी बाद वधु एक वेस्टर्न डिस्टर्बंस आवशे। गुजरात सहित राजस्थान महाराष्ट्र भागों में असर थशे। उत्तर भारत में बरफ वर्षा के वरसाद की शक्यता छे। राज्य में खेडूतों माटे फरी एक बार माठा समाचार। काल थी 10 जान्युआरी सुधी माउठा की आगाही। अरब सागर में टर्फ ना कारण वरसाद की आगाही। सौराष्ट्र ने दक्षिण गुजरात में वरसाद की संभावना। आवतीकाले दक्षिण गुजरात में वरसाद की शक्यता। नवसारी वलसाड डांग दमण में कमोसमी वरसाद की संभावना। सौराष्ट्र में जूनागढ़ गीर सोमनाथ और दीव में वरसाद की शक्यता। 9 जान्युआरी उत्तर और मध्य गुजरात में माउठा की शक्यता। बनासकांठा साबरकांठा अरवली महीसागर में माउठा की आगाही। राजकोट अमरेली जूनागढ़ में कमोसमी वरसाद की संभावना। नर्मदा जिला केवड़िया विस्तार में कमोसमी माउठू। केवड़िया की आजूबाजू विस्तार में धीमी धारे वरसाद। वातावरण में आव्यो अचानक बदलाव। वरसाद कारण आगामी ठंडी प्रमाण वधशे। राज्य में कड़कड़ती ठंडी चमकारो यथावत। सौथी ओछुं तापमान नलिया में 10 डिग्री तापमान नोंधायु। डीसा और केशोद में नोंधायु 10 डिग्री तापमान। पर्यटन स्थल दीव में तापमान 10 डिग्री। पाटनगर गांधीनगर में 11 डिग्री तापमान नोंधायु। अमदावाद में दिवस दरमियान ठंडा पवन फूकाया। अमदावाद लघुत्तम तापमान 13 डिग्री नोंधायु। अमरेली और वडोदरा में 13 डिग्री तापमान। द्वारका में 15 और पोरबंदर में 16 डिग्री तापमान। तो माउठा की आगाही वच्चे हापा मार्केट यार्ड की बेदरकारी। यार्ड में मगफड़ी कपास लाल मरचा डूंगी खुला में जोवा मळी। तकेदारी राखवा डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा अपाई छे सूचना। मोदीए गीता रबारी भजन कर्यू ट्वीट अने कह्यू गीताबेन भजन भाव विभोर करी देनारू छे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने लई गीता रबारी भजन। संदेश न्यूज साथ जगतगुरु राम भद्राचार्य जी की खास बातचीत। कहू भारत में रहू हो तो जय श्री राम बोलू पड़े। जय श्री राम न बोलनारा रावण समान। राम नो अपमान करनार ने जगतगुरु राम भद्राचार्य नी टकोर। राम नो अपमान करनारा रावण नो नाश थाय छे। घरे घरे दिवाड़ी मनाओ राम आवी रह्या छे। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान ना भोग माटे कांसा ना वासण भावनगर ना सीहोर में बनावाया। थाड़ी 4 वाटका 1 बाउल 1 चमची और 1 ग्लास बनावाया। वेरावल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट बाद हार्ट अटैक थी एकनु मौत। युवान ने वॉलीबॉल रमिया बाद एकाएक छाती में दुखवा लाग्यू। तबीबोए वॉलीबॉल प्लेयर ने मृत जाहिर कर्यो। वलभीपुर राजकोट हाईवे पर अकस्मात में एकनु मौत। गाढ़ धुम्मस अने आखलो वच्चे आवी जता अकस्मात में रिक्षा चालकनु घटनास्थले मौत। पोलीसे घटनास्थले पहुंची तपास हाथ धरी।
राजकोट ईश्वरिया गाम में अनोखी अश्व रेस भव्य आयोजन। रेस में गुजरात में 31 जेटला अश्ववीरो भाग लीधो। मोरबी में मच्छू नदी में चालता रेती चोर पर दरोड़ा। खाण खनिज विभाग द्वारा दरोड़ा पाड़वामां आव्या। बे एस्केलेटर मशीन, एक लोडर, छ डंपर जप्त कराया। मोरबी तालुका पुलिस में नोंधाई फरियाद। सुरेन्द्रनगर पुलिस पर हुमलो करी रोकड़ सहित सोनानी चेइननी लूट। पुलिसे लूटने अंजाम आपनार चार की धरपकड़ करी। बगसरामां पर्यावरण प्रेमी व्यक्तिए वृक्ष कापनारने अटकावी तंत्रने जाण करता तंत्रे कोईपण पगला न लीधा। पर्यावरण प्रेमीए वीडियो बनावी वायरल कर्यो। भावनगर में बनी रहे फ्लायओवर ने अड़चण रूप। सरिता शॉपिंग सेंटर नो वधु दबाण हटावामां आव्यु। सरिता शॉपिंग सेंटर में 3.5 फूट बांधकाम ने हटावामां आव्यु। जूनागढ़ में गिरनार में 38मी आरोहण अवरोहण स्पर्धा पूर्ण। स्पर्धकोए 1.14 कलाक में सर करिया। गिरनार विजेताओं पुरस्कार थी सम्मानित कराया। सीनियर भाइयों में प्रथम नंबरे लाला परमार। संजय भालिया स्पर्धा 1.05 कलाक में पूर्ण करी। सीनियर बहनों में प्रथम रिंकू जाड़ा नो नंबर। पोरबंदर दरिया में तरण स्पर्धा नो आयोजन। 14 राज्यों 1200 स्पर्धकों समुद्र पानी साथ बाथ पीड़ी। दिव्यांग बाड़कों वृद्ध और महिलाओं स्पर्धा में जोड़ाया था। 1200 स्पर्धकों भाग लीधो हतो। आ स्पर्धा में 1 किलोमीटर थी 10 किलोमीटर की स्पर्धा नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। जीबीएसई नी वर्ग 1-2 नी परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में पूर्ण। सिलेबस प्रमाणे पेपर पेटर्न होवानो उम्मीदवारोनो अभिप्राय। 293 जग्या माटे 1.61 लाख उम्मीदवारो नोंधाया। 21 जिल्लाना 653 सेंटर पर परीक्षा योजाई। परीक्षार्थीए कह्युं मेहनत करी होय तेमना माटे पेपर सरळ हतुं। राजकोटनी मुलाकाते आवेला सीजेआई डीवाई चंद्रचूडनो अनोखो अभिगम। डीवाई चंद्रचूडे राजकोट कार्यक्रम में गुजराती में कर्युं संबोधन। पीएम मोदीए सीजेआई ना अभिगम ने बिरदाव्यो। तोड़बाज लई मंत्री महेन्द्र मुजपरानी। अधिकारी ने टकोर। वेपारी ने खोटी रीते हैरान करना अधिकारी पर लगाम लाओ। केटलाक अधिकारी खोटी रीते हैरान करी देवाना। वेपारी ने त्यां खोटी तपास करे छे। रोगचाळानुं प्रमाण वधु होय त्यारे अधिकारीओ हैरान करे छे। दर्दीओ परेशान होय तो पण हैरान करे छे। नशाकारक दवाना वेचाण मुद्दे आरोग्य मंत्रीनुं निवेदन। कह्युं वेपार माफ मां करो पण सारो करो। देशने नुकसान थाय तेवी दवा न वेचाय ते जरूरी। अमदावाद केमिस्ट एसोसिएशन सम्मेलन में आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेल रहिया हाजर। लोगों ने योग्य गुणवत्ता की दवाओं आपवा आह्वान करीने कह्युं भारत दवा में अग्रेसर बनशे जेमां गुजरात नो महत्वनो रोल हशे। आपणे त्यांथी दवाओ हवे विदेश में जई रही छे। तमे नसीबदार छो के तमने सेवानो मौको मळ्यो छे। केमिस्ट एसोसिएशन में फूड एंड ड्रग्स कमिश्नर, गुजरात केमिस्ट एसोसिएशन प्रमुख सहित होद्देदारों हाजर रहिया। दवा बजार साथ जोड़ायेला वेपारी पण मोटी संख्या में हाजर रहिया। कोईपण व्यक्ति दवाना डिस्काउंट बोर्ड नहीं लगावी शके तेवुं गुजरात केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ना प्रमुखनुं निवेदन। जो डिस्काउंट बोर्ड लगावायुं तो कड़क कार्यवाही थशे। खोटी दवाओमां मोटुं डिस्काउंट आपवामां आवे छे। फूड एंड ड्रग्स एंड फार्मसी काउंसिल लायसेंस रद्द करशे तेवुं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन प्रमुखनुं निवेदन। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नेता होवाना भरत बोत्राना आक्षेपे। एमनी सरकार दिल्हीमां शुं करे छे सौ कोई जाणे छे। एमना मंत्रीओ जेलमां होवानुं भरत बोत्राए निवेदन कर्युं। लोकसभा में चूंटणी पहला क्षत्रियोनुं शक्ति प्रदर्शन। राजकीय रीते क्षत्रिय समाज ने हांस्यामां धकेलायो होवानुं प्रमुख करण सिंह चावड़ाए निवेदन कर्युं। राम मंदिरने लई जनता विपक्ष ऑफ इंडियानो कांग्रेस कार्यालय पासे विरोध। भजन मंडळीओने लई कांग्रेस कार्यालय कर्यो देखाव। महिला कांग्रेसे विरोधीओ सामे कर्यो वर्तो प्रहार। बंने पक्ष साम सामे सूत्रोच्चार थता माहौल गरमायो। गांधीनगर में डबल डेकर एसटी इलेक्ट्रिक बस नु मुख्यमंत्री ए कर्यु लोकार्पण। वाहन व्यवहार
मंत्री हर्ष संघवी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गिफ्ट सिटी सचिवालय पहुंचा।